दोस्तों, जिंदगी खेलते उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और दोस्तों, जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना पहचाने तो बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, आज हम ऐसे एक खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसने अपने टैलेंट के दम पे टीम इंडिया में जगह बनाई, लेकिन फिर भी टीम इंडिया में उसे लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोस्तों दोस्तों जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों संजू सैमसन के बारे में। दोस्तों, आपको एक आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रही होगी। दोस्तों, ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, इस फोटो में आपको जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और दोस्तों, उसके जो बैकग्राउंड में एक फ़ोटो है वो है संजू सैमसन। दोस्तों, ये बहुत ही बदनसीब खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिनमें टैलेंट तो खूब है पर उनके टैलेंट की टीम इंडिया में कोई कदर नहीं की जा रही। दोस्तों दोस्तों जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं आकाश चोपड़ा, उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि जो WCA है यानी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसमें भी संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज थी ODI की उसमें भी संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आकाश चोपड़ा ने कहा था कि भले ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्शन ना हो संजू सैमसन का, पर जो अभी एशियन गेम्स की स्क्वाड थी उसमें संजू सैमसन को जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि संजू सैमसन एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। दोस्तों दोस्तों जो संजू सैमसन है उनका ODI डेब्यू जुलाई 2021 में हुआ था, और दोस्तों इन 2 सालों में दोस्तों उन्होंने मात्र 13 मैच खेले हैं, और 13 मैचों में से 12 मैचों में उन्होंने 55.71 के औसत से 390 रन बनाए हैं, जो कि ODI औसत कतई कम नहीं है। दोस्तों ये दोस्तों हम हमारे जो प्लेयर हैं इंडियन प्लेयर उनके औसत की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा औसत है वो है शुभमन गिल की 70-71 के लमसम, और जो रोहित राहुल हैं उनके 48, और ईशान किशन की यहाँ पर 47-48 के लमसम है। दोस्तों, जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं इरफान पठान, उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है कि जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी अगर उनको समर्थन नहीं मिलता तो वे काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर मैं संजू सैमसन की जगह होता तो मैं काफ़ी नाराज होता, निराश होता। दोस्तों, ये स्टेटमेंट इरफान पठान का है। दोस्तों, जब किस्मत और कप्तान आपका साथ नहीं देते तब ऐसा ही होता है। दोस्तों, जो संजू सैमसन का अभी हो रहा है, दोस्तों रॉबिन उथप्पा ने कहा था कि इस समय कोई भी खिलाड़ी संजू सैमसन की जगह होना नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई साहब ये तो आप जानते ही हो कि जो संजू सैमसन है वो एक होनहार खिलाड़ी हैं, पर फिर भी उनको टीम इंडिया से लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोस्तों, जो फोटो मैंने अभी आपको बताई थी उस फोटो में संजू सैमसन मात्र एक फोटो में सिमट के रह गए। उनका टीम इंडिया में कब एंट्री होगा हमें पता नहीं दोस्तों, बट कुछ गलतियां हम संजू सैमसन की भी यहाँ पर मान सकते हैं कि जब उनको मौके दिए गए तब उन्होंने शायद उन मौक़ों को बुनाया नहीं। पर एक जो सच्चा प्लेयर होता है, एक ईमानदार प्लेयर होता है, एक मेहनती जो प्लेयर होता है उनको जब बार बार मौके मिलते हैं तो वे उसको जरूर बुनाते हैं। यही बात दोस्तों संजू सैमसन की जो ODI एवरेज है वो इसे बताती है। और दोस्तों, मेरे को जहाँ तक लगता है वहाँ तक जो संजू सैमसन है वो IPL में कप्तानी करते हैं और एक बेस्ट कप्तान है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन किस वजह से टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही, और उनका प्रदर्शन कैसा है, और आप संजू सैमसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट संजू सैमसन।